सब्सक्राइब कीजिए कोर फिटनेस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट देबोजीत रॉय फ्रॉम कोर फिटनेस। एंड मैं आपको आज दो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो क्या है वो दो प्रोडक्ट, जानने के लिए देखते रहे इस पूरे वीडियो को, बने रहे इस पूरे वीडियो के साथ। विल बी बैक। ओके गाइस, सो हियर वी आर। सो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ दो ऐसे प्रोडक्ट को, जो कि एक है मार्केट में बहुत नया एंड एक जो है मार्केट में पुराना हो चुका है, लेकिन दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट निकाला है। एक बहुत पहले निकाला था और एक कंपनी जो है हाल ही में निकाला है। सो उन दोनों को मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो एक है मसल ब्लेस का वे हाइड्रो एंड दूसरा है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का हाइड्रो वे। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा मेरे कंपनी स्क्रीन में। ओके, सो गाइस देख सकते हो मेरे पास जो है ये एक मसल ब्लेस वे हाइड्रो का एक छोटा सा फोटो है जो इन लोगों ने नया लॉन्च किया है। एंड यू गाइस कैन सी ओवर हियर इट इज रिटन दैट इट्स मेड अप विद यूएसए। देखो यहाँ पे रखा हुआ है यूएसए में ये लोग इसको प्रोड्यूस किया है। एंड ये 2 kg का पैकेजिंग है बाय द वे। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं इसके लेबल के अंदर क्या है। तो ये आ गया हमारा लेबल। लेबल के अंदर मैं देखो, तो ये लेबल के अंदर ये लोग दिखा रहा है कि सर्विंग साइज जो है 30 ग्राम का है 1 level scoop एंड सर्विंग पर कंटेनर है 33। तो इसमें जो है 30 ग्राम के सर्विंग में आपको एनर्जी मतलब कैलोरीज मिलते हैं 112 ग्राम, प्रोटीन मिलता है 24 ग्राम का कि इसका बायोअवेलेबिलिटी हो गया नियर अबाउट 75 से 78% के आसपास। कार्बोहाइड्रेट इसमें 2.40 है, एडेड शुगर 0, फैट 0.75, टोटल सैचुरेटेड फैट फैटी एसिड ये सब है। कोलेस्ट्रॉल इसमें 23 ग्राम के आसपास है। और इसका जो टिपिकल एमिनो एसिड प्रोफाइल होता है, अगर आपको पता होगा टिपिकल एमिनो एसिड प्रोफाइल कैसा होता है, तो इसमें सेम टिपिकल एमिनो एसिड का प्रोफाइल डाला हुआ है। तो हम अभी चेक करते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंग्रेडिएंट्स ये लोग लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइसेट, कोको पाउडर एंड डाइजाइम। डाइजाइम क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, वैसे मल्टी एंजाइम ब्लेंड कंटेनिंग एमिलेज, प्रोटीज, लैक्टेज, लिपेज एंड सेलुलेज। ठीक है, इसमें एडेड फ्लेवर किया हुआ है, ठीक है, एंड सब्सटेंस दिया हुआ है जो कि देना चाहिए नहीं तो आप खा नहीं पाओगे वैसे। तो इसमें बस मेन इंग्रेडिएंट्स 3 है, प्रोटीन, हाइड्रोलाइसेट एंड कोको पाउडर एंड डाइजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव। तो अब हम चेक करते हैं ऑन का, जैसे कि ये हमारा जो है कंपेयरिंग सेशन चल रहा है कि कौन सा वे हाइड्रो अच्छा है। मेरे पास है अभी प्लैटिनम हाइड्रोवे बाय ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो आपको ये बहुत जगह पे दिखता होगा, ये बहुत दिन से मार्केट के अंदर है, ये प्लैटिनम सीरीज का है ऑन हाइड्रोवे व्हिच इज अ ग्रेट क्वालिटी वे। हम इसका लेबल चेक करते हैं। तो आप इस लेबल के अंदर देख सकते हो इसका जो स्कूप साइज है ये 39 ग्राम का है और सर 40, ठीक है। इसमें कैलोरीज जो है मसल ब्लेस से ज़्यादा है, 140 एंड कैलोरीज फ्रॉम फैट आ रहा है 10 ग्राम एंड टोटल फैट इसमें 1 ग्राम है, मसल ब्लेस में कम है, 5 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल इसमें
थोड़ा कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम इसमें 1.8 मिलीग्राम का है, टोटल कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम का है, वहाँ पे थोड़ा कम होगा। प्रोटीन जो है इसके अंदर जो है प्रोटीन 30 ग्राम, इसका मतलब 85 ग्राम के आसपास, 85% के आसपास बायोअवेलेबिलिटी है। तो और इसका इंग्रेडिएंट्स हम लोग चेक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना लंबा लिस्ट है इस इंग्रेडिएंट्स का, जहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड व्हे प्रोटीन आइसोलेट है, माइक्रोनाइज बंच चेन अमीनो एसिड्स है, ठीक है, क्रीमर है जैसे सनफ्लावर ऑयल, मल्टी डेक्सट्रोज मॉडिफाइड स्टार्च, सेलुलोज गम, पोटासियम क्लोराइड, सेलुलोज, बहुत सारा चीज है इसके अंदर। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर हाइड्रो इंडियन प्रोडक्ट आप अगर लेना चाहते हो तो यू कैन टेक फॉर मसल प्लेस हाइड्रो वे, बिकॉज उसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है पर इसमें जो है बहुत सारा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। ओके, सो अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्राइस जो कि है हाइड्रो वे का, जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी देखेंगे। तो वैसे मैं अभी हेल्थ कार्ड में आप लोग देख सकते हो healthcard.in में, जहाँ पे मसल बेस का सारा कुछ प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे वैसे 30% ऑफ चल रहा है, पता नहीं, ये देखो मसल बेस हाइड्रो वे तो इसका रेगुलर जो प्राइस है और 2 केजी विच इज 5999 नियर अबाउट 6000, ठीक है, 2 केजी का 6000 मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मसल ब्लेस जो ये हाइड्रोवे के कंपैरिजन में जो ऑन का जो हाइड्रोवे है वो कितना मतलब कॉस्ट में आता है, वही सेम 2 केजी। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्लैटिनम हाइड्रोवे जो है नियर अबाउट 1.59 केजी का जो है ये नियर अबाउट 5720 में आता है, ठीक है। इसका 2 ही पैकेजिंग है बाय द वे, एक 795 का है, एक 1.5 केजी का है। तो इसके अनुसार मैं बताऊंगा कि मसल बेस इज गिविंग यू मच चीपर, क्योंकि ऑन का जो ऑब्वियसली ऑन बाहर का कंपनी है तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा छूट तो नहीं मिलेगा प्राइस से, क्योंकि नियर अबाउट 1 केजी 600 ग्राम्स का जो पैकेजिंग है वो है 5720 का। एंड यहाँ पे मसल ब्लेस जो दे रहा है फॉर 2 केजी ये है 6000 का, विच इज क्वाइट अ गुड प्राइस। तो मेरे हिसाब से ये 2 ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मसल ब्लेस का जो है हाइड्रोवे एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्लैटिनम हाइड्रोवे, दोनों ही मेरे हिसाब से थम्स अप है, आपकी मर्जी आप कौन सा ले, लेकिन प्राइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, supplements will not make your body, diet will make your body, so concentrate on your diet। आप हाइड्रोवे लो या मसल बेस का हाइड्रोवे लो या फिर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का लो, काम दोनों सेम ही करेंगे, लेकिन आपका डाइट जो है एक्सरसाइज जो है वो ठीक नहीं होगा तो ये दोनों का कोई फायदा नहीं। ओके गाइस, तो आपने देखा मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही ज्यादा चेक करता हूँ, मसल बेस वे हाइड्रो में भी मैंने आपको दिखाया लाइफ प्रूफ जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना है। सो यू आर द वाइज कस्टमर, बी अ वाइज कस्टमर एंड बाय अ जेन्युइन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑल्सो जेन्युइन, बट उसका जो इंग्रेडिएंट चार्ट है बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप चाहे तो मसल बेस ले सकते हो, आप चाहे तो ऑन ले सकते हो, दोनों के दोनों मेरे ख्याल से थम्स अप है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है काइंडली टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ शेयर,
give a like and also do subscribe our channel, and you guys can follow me on Facebook, the handles are right in front of me. And और subscribe करके जरूर bell icon जरूर दबाए क्योंकि हम अपने channel में ऐसे videos लाते रहते हैं. Bye.